हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं फादर ऑफ टेक्निक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि वीडियो वायरल कैसे होता है, मेरा खुद का वीडियो कैसे वायरल हुआ था। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तक जो न्यू विजिटर है जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में एक बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज आप सबके लोग मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार मेरा वीडियो मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ और फिर भी वायरल नहीं होता, व्यूज अच्छे नहीं आते, क्यों नहीं आते? उन सब की प्रॉब्लम जो है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये रहता है कि यार इतनी मेहनत से बनाते हैं, टाइटल भी, थंबनेल भी, और मतलब वीडियो भी अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छा रहता है, वॉइस क्वालिटी भी अच्छा रहता है, फिर भी व्यूज़ नहीं आता। तो उसको भी क्लियर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। और गाइस आपका अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों कई बार मैंने देखा है, मेरा भी एक खुद का प्रॉब्लम रहता था कि मैं रात को इतनी मेहनत से वीडियो बनाता था, थंबनेल लिखता था, डिस्क्रिप्शन लिखता था, मतलब थंबनेल बहुत अच्छे से बनाता था, मैं बहुत कुछ करता था। ज़्यादातर यूट्यूबर बताते हैं कि भैया थंबनेल अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, तभी आपका वीडियोस पे अच्छा व्यूज़ आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका वीडियोस टॉप रैंकिंग में भी सर्च हो रहा है फिर भी आपके वीडियो पे टॉप अच्छा व्यूज़ नहीं आएगा, यानी कि ये सब रहता है। और मतलब ऑडियंस रिटेंशन भी मतलब बेकार रहेगा, वो क्यों रहेगा, इस सबको भी क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि भैया हम वीडियो अच्छा बनाते हैं, क्वालिटी अच्छा रहता है, थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, फिर भी हमारा मतलब वीडियो वायरल नहीं होता है, व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, तो उसकी वजह क्या है वो देखिएगा। देखिए उसकी वजह ये है कि आप वीडियोस तो अच्छा बनाते हैं, थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, और आपका वीडियो सर्च में भी आता है, लेकिन आपका वीडियो जो होता है वो आपका जेन्युइन कॉन्टेंट नहीं होता है, यानी कि फेक कॉन्टेंट होता है, ठीक है। और जिनका फेक कॉन्टेंट होगा व्यूअर्स उस पर जाएगा तो आएगा, ऑडियंस रिटेंशन ये वाला देख के जाएगा, ठीक है। ये होता है बेटर, ये होता है मतलब बैड वाला, ठीक है। तो इम्प्रेशन जाएगा बैड वाला, आपका वीडियो टेक डाउन नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर जब दोबारा से आपका वीडियो फिर व्यूज़ टॉप में तो आ रहा है, सर्च में आ रहा है, लेकिन जब उस पर रिटेंशन कम जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। आपका वीडियोज़ को ज़्यादा लोग देखते हैं, और अगर मतलब उस पर मतलब बैड लाइक की लगे डिसलाइक करते हैं अगर आपके वीडियो को, तो आपका वीडियो का जो रैंकिंग होता है वो नीचे जाता है और व्यूअर्स इससे नहीं आता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है, तो आपको क्या जेन्युइन कंटेंट रखना चाहिए अपने इस वीडियो पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, हम यार बहुत अच्छा वीडियो बना लेते हैं, टाइटल टैग सब थंबनेल वगैरह सब कुछ अच्छा लिख लेते हैं, और वॉइस क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारा, फिर भी वीडियो वायरल नहीं होता, तो उसमें ये और मतलब क्या, फिर भी वीडियो वायरल नहीं होता है, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि आप सब कुछ अच्छा बनाते हैं लेकिन आप उसमें अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए वो आपका वीडियोस छोड़कर चला जाता है। व्यूज़ आ गया कोई बात नहीं, बट रिटेंशन बेकार करके चला जाता है, ठीक है। और गाइस ऐसा सब कुछ सोचते सोचते हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारा वीडियोस वायरल नहीं होता है, ये सब मेरे साथ भी होता था। तो सोचिए ज़रा कम, और आप लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो वीडियो वायरल हो ही नहीं सकता क्योंकि भैया 2020 आ गई है, अब तो 2020 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे टाइम में जब मैं 2017 में चैनल स्टार्ट किया था अपना, एक मेरा और सा चैनल था, वो मेरा चैनल बंद हो गया, फिर उसके बाद में ये चैनल स्टार्ट किया हूँ मैं, तब मनोज देव यूट्यूब चैनल आपने सब लोग ने सुना होगा, वो मेरे साथ ही चैनल स्टार्ट किया था, वो 18 में स्टार्ट किया था, मेरा उससे पहले बना हुआ चैनल था, लेकिन आज उस पर देखो 7 लाख से प्लस सब्सक्राइबर है मेरे पे, कितना सारा सब्सक्राइबर है ना। तो क्या है कि भैया प्रॉपर वर्क करना चाहिए आपको अपने वीडियो, चाहे आपका वीडियो मतलब ज़्यादा बेटर नहीं होना चाहिए मगर वीडियो का क्वालिटी होना चाहिए, और वीडियो रेगुलर अपलोड होना चाहिए आपके चैनल पर। जैसे कि मैंने नहीं किया तो मेरा चैनल देखो अभी यहीं पर पड़ा है, मनोज देखा देखो 8-7-8 लाख से ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो वीडियोस रेगुलर अपलोड करो, ठीक। तीसरा क्वेश्चन अभी मैं ये यहाँ पर सोल्यूशन देता हूँ कि व्यूअर्स आप बोल रहे थे मतलब जो क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो कंपटीशन टफ वाला मैंने नहीं बताया, वो अब बता रहा हूँ। कंपटीशन टफ क्यों है, पहले क्या कंपटीशन नहीं था? जियो जब से आया 2016 में, जियो आया 17 में, जो भी आया जब भी, तो जियो का जो फ्री वाला डाटा रहता था, एक बार करा लो रिचार्ज, बार साल लिमिटेड मिलता था, तो उससे मिलने से क्रिएटर बहुत हुआ, यूट्यूब पे क्रिएटर बहुत हुआ, तो व्यूवर्स भी बढ़ा कहीं ना कहीं, और जब व्यूवर्स बढ़ा है तो भैया सर्च भी बढ़ेगी। पहले क्या हम लोग कुछ भी सर्च करते थे, अगर मानी कुछ भी सर्च कर लिया, जैसे कि यार वीडियो की रैंकिंग कैसे करें, तो 2 ही 3 वीडियो शो हुआ करते थे यूट्यूब पर, और बस ज़्यादा कुछ नहीं होता था, क्यों? क्योंकि भैया क्रिएटर बहुत कम था, और अब क्रिएटर बहुत है, उसी हिसाब से व्यूवर्स भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अगर क्रिएटर कम है, क्रिएटर ज़्यादा है, तो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है। हम लोग के साथ में क्या होता था कि भाई हम सर्च करते थे तो 2 वीडियोज़ ही 3 आते थे, तो उसमें भी अगर किसी ने सही समझाया तो समझ में आया, नहीं समझाया उसने तो बस भाई है। अब यहाँ पर आप सर्च करेंगे मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो किसी और का समझ में आएगा, एक ही टॉपिक पर हज़ारों से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको,
यूट्यूब पर। तो कंपटीशन टफ है क्या? आप अच्छे से सीखिए। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैं सब यूट्यूब से ही सीखा हूँ। और यूट्यूब से किससे सीखा हूँ मैं? धर्मेंद्र सर का वीडियो देखता था मैं, धर्मेंद्र सर देखा, माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल है, वो गुरु जी हैं हमारे, हम उन्हीं से सीखे हैं सब कुछ। गौरव सर जी हैं टेक्निकल गुरु जी, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं सीखा हूँ तो धर्मेंद्र सर से ही सीखा हूँ। तो ये सब रहता है, तो वीडियोस को वायरल करने का यही चांस रहता है, पता है। अब मैं उसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बता चुका हूँ मैं, जिसका मैं लिंक आई बटन पे दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है, आप अपने व्यूवर्स को ज़्यादा पकाएं नहीं, बोर नहीं करें, बोरियत नहीं करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है व्यूवर्स के पास, जो कि आपका मतलब बकवास सुनता रहे। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कोई भी वीडियो बनाएं तो उसको ज़्यादा बोर ना करें, एडजस्ट पॉइंट पे आए। जैसे कि मेरा ये वीडियो है जो आपने थंबनेल पे देखा है अभी, वो वायरल कैसे हुआ है? डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया हूँ मैं। उस पर लिखा है मैंने, इस तरह मूवी अपलोड करने से मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। वही थंबनेल पे दिया है, वही मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन में सब कुछ में लिख दिया है, रैंकिंग मेरा अच्छा हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मैं गया वहाँ पर और वहाँ पर बोल दिया है, गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह मूवी अपलोड करने से मतलब कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, और फिर उसमें करके भी दिखाया है मैंने। तो ये होता है ना, तो व्यूवर्स को अच्छा लगा, व्यूवर्स ने उसने किया, एक ही वीडियो से मेरा सारा काम हो गया, मेरा चैनल आज मोनेटाइज है तो उसी वीडियो की वजह से, और मैं अच्छे से एड वोड आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, मैं वीडियो बनाने का हौसला रख पा रहा हूँ तो उस वीडियो की वजह से। तो क्या है मतलब व्यूवर्स को बोर मत करो, डायरेक्ट पॉइंट की बात पे आओ, जो आपने थंबनेल में लिखा है वही पॉइंट, एडजस्ट पॉइंट, दो चार बात अपनी कहकर और डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ जाओ। व्यूवर्स को बोर मत करो, आपका वीडियोस वायरल होगा, क्योंकि व्यूवर्स को लगेगा कि अरे हाँ यार कुछ है, आगे कुछ है, व्यूवर्स एक्साइटेड रहेगा कि हाँ आप बताने वाला है, ठीक है। और जब आप वो सोचेगा हाँ आप ये कुछ बताने वाला है, तो वो आपके पास पूरा टाइम रुकेगा, और आपका वीडियो अगर एक मिनट से ज़्यादा देखा जाता है तो उसका जो मतलब औसतन रेशियो रहता है वो अच्छे क्वालिटी में जाता है, कि यार वीडियो अच्छा है, यूट्यूब लगता है अच्छा वीडियो है, और रैंक करवाता है, और लोगों के पास भेजता है, ऐसे करके और लोग जब देखते हैं आपका वीडियो, फिर वो और लोगों के पास भेजता है, फिर और लोग देखते हैं और लोगों के पास भेजता है, इस तरह वीडियो वायरल हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाया, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट में मतलब पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने हमारा चैनल है उस किसी ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर हमारा किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।